नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिशु त्यागी। लद्दाख पर नजरें गड़ाए चीन ने, अब अक्साई चिन में पेंगोंग झील तक रेलवे लाइन बिछाने की तैयारी शुरू कर दी है। चीन की यह महत्वाकांक्षी रेलवे लाइन शिनजियांग और तिब्बत को जोड़ेगी। यह चीनी रेलवे लाइन अक्साई चिन में भारत से सटे एलएसी के बेहद पास से होकर गुजरेगी। तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र की सरकार की ओर से इस रेलवे लाइन की जानकारी दी गई है। चीनी रेलवे लाइन का पहला चरण साल 2025 तक पूरा हो जाएगा और ये शियागास्ते से लेकर पखुकस्तो तक जाएगा। बाकी की रेलवे लाइन होटान तक जाएगी और साल 2035 तक पूरी हो जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की ओर से तिब्बत के लिए मध्यम और लंबी अवधि की रेलवे योजना को पिछले सप्ताह सार्वजनिक किया गया था। इसके तहत इस रेलवे लाइन को 1400 किलोमीटर से बढ़ाकर साल 2025 तक 4000 किलोमीटर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। चीन का नया रेलवे नेटवर्क भारत और नेपाल की सीमा के पास से होकर जाएगा। इसमें सबसे महत्वाकांक्षी योजना शिनजियांग तिब्बत रेलवे लाइन है। यह रेलवे लाइन G219 नेशनल हाईवे के पास से होकर जाएगी। अक्साई चीन से होकर गुजरने वाले शिनजियांग तिब्बत हाईवे ने भारत और चीन के बीच तनाव को भड़का दिया था और इसके बाद साल 1962 में इसको लेकर युद्ध हो गया था। ये प्रस्तावित रेलवे लाइन तिब्बत में शियागात्से से शुरू होगी और उत्तर पश्चिम में नेपाल बॉर्डर से होकर जाएगी। यह अक्साई चीन से होकर गुजरेगी और शिनजियांग प्रांत के होटान में खत्म होगी। यह प्रस्तावित रेलवे लाइन अक्साई चीन के रूटोग और चीन के इलाके में पेंगोंग झील के पास से होकर गुजरेगी। चीन की सरकारी मीडिया ने बताया कि साल 2025 तक कई बड़े रेलवे प्रोजेक्ट में प्रगति होगी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि क्षेत्रीय रेलवे नेटवर्क में सुधार से सामाजिक और आर्थिक विकास होगा, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा की जा सकेगी। तिब्बत में अभी तक 3 रेल लाइन हैं। तो चीन अपनी विस्तारवादी महत्वाकांक्षा के चलते फिर से भारत के सामने है। वहां की सरकार अपने रेलवे नेटवर्क का विस्तार कर रही है, जिसमें एक महत्वपूर्ण लाइन शिनजियांग प्रांत को तिब्बत से जोड़ेगी। इस लाइन के प्लान का नक्शा अक्साई चीन से होकर गुजरता है, जो कि भारतीय क्षेत्र का है, लेकिन चीन का उस पर कब्जा है। चीन के इस कदम से राजनीतिक गलियारे में हलचल है। भारत सरकार ने कहा है कि वह चीन की गतिविधि पर नजर रख रही है। आज इसी विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान उपस्थित हैं। हमारे साथ जो दो खास मेहमान आज पैनल में हैं, वो हैं दीपक वोहरा जी, पूर्व राजनयिक, और इसके साथ ही हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल जेएस सोडी, पूर्व रक्षा विशेषज्ञ भी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आप दोनों का। सर, आवाज मिल पा रही है आपको? आप जिस व्यक्ति दीपक सर, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए, तो हमारे साथ जे एस सोडी जी भी जुड़े हुए हैं। सर, चीन अक्साई चीन से रेलवे लाइन बिछाएगा, यह उसके अवैध कब्जे को मजबूत करने का कदम है। सबसे पहले इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया। जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। चीन एक ऐसा देश है जिसका जो स्ट्रेटेजी है वो उस देश के लिए और उसके नेताओं के लिए शुरू से ही बिल्कुल फोकस और क्लियर रही है। और इस यही कारण था कि जब 1949 में चीन का गृह युद्ध खत्म हुआ तो चीन ने सबसे पहले ईस्ट तुर्किस्तान, जिसे आज जिनजियांग उगर ऑटोनॉमस रीजन के नाम से जाना जाता है, पहले उस पर कब्जा किया और दो साल बाद 1951 पे तिब्बत पे कब्जा किया, जिसे आज वो तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन के नाम से जानते हैं। उसके बाद 1962 में भारत के साथ युद्ध के बाद उन्होंने अक्साई चीन का 38,000 स्क्वायर किलोमीटर अपने कब्जे में कर लिया। तो ये जो रेलवे लाइन अब अक्साई चीन से जिनजियांग और तिब्बत तक बनाई जा रही है, ये चीन के लिए सुरक्षा और व्यापार के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऋषु जी, चीन कोई भी हरकत करता है सबसे पहले वो अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाने के नजरिए से करता है, दूसरा
अपने व्यापार को बढ़ाने के नजरिए से। तो ये जो रेलवे लाइन जब कंप्लीट हो जाएगी तो ये भारत के लिए एक चेतावनी की बात होगी, क्योंकि ये रेलवे लाइन कंप्लीट होने से चीन को एक काफी फायदा हो जाएगा, अपने जो ट्रुप्स हैं, अपनी जो सेना है उसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से और जल्दी शिफ्ट करने के लिए। लेकिन मेरे को उम्मीद है कि हमारी सरकार भी उस क्षेत्र में कई कदम ले रही है, तो चीन के ये जो मंसूबे हैं वो कभी सफल नहीं हो पाएंगे। चीन के मंसूबे सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन सर अक्साई चीन से होकर एलएसी के करीब से चीन का रेल लाइन बिछाने को आप सामरिक दृष्टि से किस तरीके से देखते हैं? ऋषु जी, ये सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे पहले चीन का जो अक्साई चीन पे या जिनजियांग पे जो उन्होंने कब्जा किया वो उसके लिए महत्वपूर्ण था कि वहां पे रेयर अर्थ मटेरियल्स बहुत मिलते हैं, जिससे कि चीन को बहुत फायदा था, तो उसने उन इन इलाकों पे तो कब्जा कर लिया। अब जो ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग का सपना था वो भी इन इलाकों से गुजरती है, जैसे आपने शुरू ओपनिंग ग्राफ में बताया G219 उनका नेशनल हाईवे भी इस इलाके में और ये रेलवे लाइन उसके पैरेलल चलेगी तकरीबन। तो ये सामरिक दृष्टिकोण से चीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन अपनी जो सेना है, सेनाओं की टुकड़ी है, उसको एक जगह से दूसरी जगह फौरन मूव कर पाएगा, जो अब काफी वक्त लगता है, क्योंकि कोई भी सेना की टुकड़ी होती है जब वो मूव करती है उसके लिए सबसे आसान तरीका रेलवे लाइन होता है, क्योंकि सेना की टुकड़ी में कई चीजें होती हैं, उनकी तोपें होती हैं, उनकी बंदूकें होती हैं, उनका असला होता है, उनका एम्युनिशन होता है, उनका लॉजिस्टिक्स होता है, तो रेलवे लाइन हमेशा किसी सेना के मूवमेंट के लिए एक सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। ठीक है, दीपक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, कैसे हैं आप? आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ सर, और आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है हमें भी डिबेट के दौरान, बहुत सारी चीजें आप लोगों से भी हम यहाँ पर सीखते हैं। सर आज जिस मुद्दे को लेकर हम बात कर रहे हैं पूरा विषय आपको ज्ञात ही है, सर ये बताइए कि चीन अक्साई चीन से रेलवे लाइन बिछाएगा, यह उसके अवैध कब्जे को मजबूत करने का कदम है, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? आभारी हूँ कि आप मौका दे दिए हैं, आपसे सीखता हूँ, आप लोगों के पास बहुत ज्ञान है और फिर कर्नल साहब आपके साथ हैं जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। ये जो सब है ना कि चीन ये बना रहा है वो बना रहा है तिब्बत में, इसका जो मिलिट्री सिग्निफिकेंस है ये तो कर्नल साहब ने आपको बता दिया। ये अब ट्रूप से लड़ने का जमाना नहीं है, ये ड्रोन्स का जमाना है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, ये बलून भेजने का जमाना, अमेरिका में तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये जमाना वो पुराना हो चुका है, इतने सिपाही मेरे पास है, इतने सिपाही तेरे पास है, हो क्या रहा है ये मैं आपको अभी बता देता हूं। मैम, अमेरिका की जो डेवलपमेंट हुई थी हम सब जानते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए हुई थी, सोवियत संघ ने भी बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए थे, दुनिया का सबसे बड़ा होटल, सबसे बड़ा शू फैक्ट्री, सबसे बड़ा एयर कंडीशनिंग फैक्ट्री, सोवियत संघ को क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। चाइना की दिक्कत इस समय बहुत सिंपल है, उसकी आर्थिक व्यवस्था ठप हो गई है मैम, प्रॉपर्टी बबल खत्म हो गया, बैंक्स उसके मर गए हैं, जीरो कोविड पॉलिसी बर्बाद हो गई है, उसका ऋण बढ़ता जा रहा है, पैंडेमिक शटडाउन उसने एकदम कर दिया जीरो कोविड को रिवर्स करके, बहुत सी इंफेक्शन हो रही हैं और उसकी आबादी कम हो रही है एक्सेट्रा। अब ये जो तिब्बत में ये रेलवे बना रहा है, ये जो लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं स्ट्रेटेजिक उसकी विजन है, कोई स्ट्रेटेजिक विजन नहीं है, बेवकूफ लोग हैं, उसका इंटेंशन तिब्बत का विकास नहीं है, भारत को खतरा उसके लिए खड़ा करना नहीं है, लेकिन काम देना, क्योंकि बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है हान चाइनीज में, वहां बगावत शुरू हो गई ये तो आप जानती हैं, और चाहते हैं कि बहुत से उनके लोग जाके तिब्बत में रहें, और जो चाइना की अगली कॉलोनी है जो बनने वाली है, पाकिस्तान तो ऑलरेडी कॉलोनी है, नेपाल के ऊपर वो थोड़ा प्रेशर डालना चाहते हैं। क्योंकि मैम अगर आप मुझे एक मिनट और दें, बहुत कोशिश की थी उन्होंने तिब्बत को साइनसाइज करने की, यानी उसको चाइना का हिस्सा बनाने की, हार गए। दिसंबर के महीने में हिज होलीनेस दलाई लामा ने क्या बोला था कि चीन कोशिश कर रहा है बुद्धिज्म को खत्म करने की, लेकिन हार गया है, नहीं कभी सक्सेसफुल होगा। यहां तक कि ये जो डिंगलिंग टिंगपिंग जो भी इसका इनका नेता है, वो उसने साल हुए अपने पार्टी कार्डर्स को ये कहा था कि भाई आप हर तिब्बती के दिल में एक बीज लगा दो ताकि वो चीन से मोहब्बत कर बैठे, ये पागल है, पता नहीं ये कौन सी हफीम खाता है, और क्योंकि
तिब्बत को हमने सिविलाइज करना, यानी अनसिविलाइज है। तो मैडम आपको ये बता देता हूँ कि आने वाली जो समस्या चीन के सामने आने वाली है, अगर ये रेलवे लाइन बनाता है, एक तरफ उसको शिनजियांग में बगावत देखनी पड़ेगी, ये सब आप मेरी बात सुन लीजिएगा, एक तिब्बत में देखनी पड़ेगी। हम लोग तो कहते हैं इंडिया विल फाइट टू फ्रंट वॉर, वो तो थ्री फ्रंट वॉर लड़ेगा। अगर ताइवान के साथ समस्या होगी तो आप देखेंगे शिनजियांग में अपराइजिंग होगी, तिब्बत में अपराइजिंग होगी, हमारे बॉर्डर पे भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि ये जो बना रहा है ये सिर्फ इसलिए ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, और उसके पास पैसे भी नहीं है अब खर्च करने को। जहां तक मैं समझता हूं, ये आप 2025 दूर नहीं है, मैं जिंदा रहूंगा नहीं, मुझे मालूम नहीं 71 साल की नई उम्र है, आप तो बहुत जवान हैं, आप देखेंगे बड़ी लंबी आपकी उम्र हो, हम तो ऐसी ही प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, आप ऐसी बातें ना करें डिबेट में। मुझे पता नहीं ये बनेगा कि भी नहीं है, कभी कभी गुब्बारे जैसे वो बलून भेज देते हैं ना अमेरिका पे, ये गुब्बारे फेंक देते हैं, देखना है कि ये बनेगा नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसके पास इस समय पैसे हैं। ठीक है, गुब्बारे फेंकना उनका काम है, लेकिन गुब्बारों को फोड़ना वो अमेरिका काम है, अमेरिका का काम है, भारत का भी वही काम है, वो फेंकेंगे हम फोड़ेंगे। लेकिन जय सोडी जी, अक्साई चीन का मामला भारत जितना लंबित रखेगा उतना ही पेचीदा होगा, चीन नए नए हथकंडे बनाएगा और हम आपत्ति करते रहेंगे। बिल्कुल ऋषु जी, आपने सही कहा कि शुरू के कुछ दशकों में भारत के आजाद होने के बाद और जब ये 1962 की लड़ाई हुई, हमारा 38,000 अक्साई चीन का इलाका चीन ने कब्जा कर लिया, तो हम कुछ कर नहीं पाए क्योंकि ना हमारे तब के राजनेताओं में वो विजन थी, ना भारत के पास पैसा था, ना सेना को एक सैनिक शक्ति, एक ग्लोबल सैनिक शक्ति बनाने के लिए लेटेस्ट हथियार दे पाती थी तब की सरकार। लेकिन अब पिछले एक दशक में सब कुछ बदल चुका है, अब भारतीय सेना के पास आधुनिक से आधुनिक हथियार हैं, आत्मनिर्भर भारत डिफेंस सेक्टर का बिल्कुल सफल हो चुका है, और भारत आज टॉप 23 देशों में जो हथियार अपने लिए ही नहीं बनाता बल्कि दुनिया के लिए भी एक्सपोर्ट करता है। हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। तो ये सारी चीजें आज भारत को एक महाशक्ति के रूप में उभर के ला चुकी हैं, और अब ये हमारे जो रणनीति होनी चाहिए वो होनी चाहिए चीन के साथ सीधा टक्कर लेने की, क्योंकि ऋषु जी चीन और पाकिस्तान जो दो ऐसे देश हैं जिस पे ना कभी भरोसा किया जा सकता और जिनके मंसूबे हमेशा से नापाक रहे हैं, और ये एक ही भाषा समझते हैं दोनों देश, वो है भाषा कठोर और कठिन भाषा। तो अब वक्त आ चुका है भारत को अपनी रणनीति में एक चेंज लाने का, एक अग्रेसिव पोस्चर करने का, और ये हमने एक दशक में देखा है जब हमने हमारा लद्दाख में काफी डेवलपमेंट हुआ, जो हमारे बॉर्डर्स पे रोड्स कई दशकों तक नहीं थी वो बननी शुरू हो गई हैं, हमारी सैनिक शक्ति में इजाफा हुआ है। जब तक हम चीन को और पाकिस्तान को आड़े हाथ नहीं लेंगे, ये दोनों देश भारत के लिए दिक्कत करते आएंगे। पाकिस्तान तो बर्बाद हो ही चुका है, अब चीन के बर्बाद होने की बारी है, और भारत को अब और महाशक्ति के रूप में इन्हें जोर से तमाचे मारने चाहिए। मतलब मैं तो खैर ये लैंग्वेज यूज नहीं कर सकती, लेकिन एक ही लाइन बोलूंगी, कहते हैं ना डैश 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 जो है सिर्फ वो बातों से नहीं मानते हैं, आप लोग भी समझ गए होंगे और दर्शक भी समझ गए होंगे। मुद्दा देख रहे हैं आप, और जिस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं उसको लेकर दो खास मेहमान पैनल में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, भारत चीन को लाइन बिछाने से रोकने के लिए डिप्लोमेटिक स्तर पर क्या कुछ कर सकता है? पहली चीज ये है कि हम बता देंगे कि आपको ये नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, हमारा डिस्प्यूटेड पे नहीं है, हमारा इलाका है जिसपे आपने कब्जा कर लिया है, तो आपको नहीं बनानी चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता देता हूँ मैम कि अगर उसने फैसला कर लिया है कि वो बनाएगा, वो बनाने की कोशिश करेगा, भले ही पैसे ना हो, लोगों को भूखा मारेगा, बनाने की कोशिश करेगा। दूसरी चीज है कि वहां पे जो डिसीजन लिए जाते हैं मैम, हमारे देश में जब आपके प्रधानमंत्री या दूसरे नेता लोग कहते हैं कि हम ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हम उसकी एक वायबिलिटी स्टडी करते हैं, इससे क्या फायदा होगा। ले में जो अब लाइन जा रही है या कश्मीर में जो रेलवे लाइन जा रही है, सड़कें बन रही हैं, उससे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत होता है, लेकिन चीन में इसका ये सोचते नहीं है। वहां पे बजे टिंगलिंग पिंग बिंग जो भी उसका नाम है, वो कहता है जी मुझे तो अब ये बनाना है, सब लोग कहेंगे वाह 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 महाराज कितनी अच्छी बात है। फिर एक चीज और, मैं चीन में दो क्रांतियां हुई हैं, आपकी उम्र बहुत कम है मुझसे, आप शायद जानती हैं इसको या पढ़ा होगा, एक क्रांति हुई थी 1911 में रिपब्लिकन कंजर्वेटिव जानते हैं, और दूसरी हुई थी 1949 में कम्युनिस्ट। दो क्रांतियां हो चुकी हैं पिछली शताब्दी में, और अब अगर आप कहते हो वहां क्रांति पॉसिबल नहीं है,
हो सकती है, क्योंकि जिन लोगों जो लोग क्रांति लाना चाहते हैं वो जानते हैं कि क्रांति आ सकती है। इसीलिए ये जो टिंगलिंग है ये बहुत डरता है और कहता है कि अगर मैं उस तरह की फ्रीडम अपने देश में लाया जैसे गोरबाचोव सोवियत संघ में लाया था तो मेरा वही हाल होगा जो सोवियत संघ का होगा। इसके बावजूद आपको बता देता हूं मैम कि चाइना की हालत अब इतनी खस्ता होगी और खस्ता होती जाएगी कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे उसकी और दुश्मनियां बढ़े। आपको पता है अभी अमेरिका के जो बुड्डन साहब ने जो भी उनका नाम है बुड्डा जो है उनका प्रेसिडेंट, उसने अपने स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस इसी महीने फरवरी 2023 में क्या कहा था कि आज दुनिया में कोई नहीं है जो टिंगलिंग की जगह होगा, जो लेना चाहता होगा। मतलब इतनी समस्याएं हैं उसके सामने कि वो या तो बिल्कुल बेवकूफ है हो सकता है, या फिर पागल है वो भी हो सकता है, कि वो और क्यों पंगे लेगा। ये कहने के लिए बड़ा अच्छा अपने लोगों को कहने में ये करूंगा वो करूंगा, मुझे नहीं लगता कि ये रेलवे लाइन बने। ठीक है, लेकिन सर एक चीज और भी है कि चीन ने पहले भी अक्साई चीन में ऐसी गतिविधियां की हैं, वहां की सरकार भारत की प्रतिक्रिया को लेकर सजग नहीं है क्या, या फिर चीनी भारतीय शक्ति का आकलन ठीक से नहीं करते, या ये सब कुछ मनोवैज्ञानिक टैक्टिस है सिर्फ? 100% साइकोलॉजिकल है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि मुझे मालूम नहीं तीसरा विश्व युद्ध कैसे लड़ा जाएगा, कौन से हथियारों का प्रयोग होगा, वो एटम बॉम्ब की बात कर रहा, लेकिन चौथे विश्व युद्ध में लाठियों और पत्थरों से का जंग होगा। तो चीन ने तो वो साबित ही कर दिया, तवांग में तो लाठी और पत्थर लेके आ गए। मैम डरिए मत इनसे, ये नपुंसक हैं ये लोग, बातें बड़ी बड़ी करते हैं। कोई पुंजू इनका होता था वो लिख गया कि भाई जंग जीती जाए लड़ने के बिना, क्योंकि उसको मालूम था कि ये डरपोक है, तो लड़े बिना अगर आप जंग जीत जाओ तो बहुत अच्छी बात है। ये कोई चीज होती है? कौन सी दुनिया का जंग जीता गया लड़े बिना? तो ये चीजें अगर आप ध्यान में रखते, चीन से डरने की जरूरत नहीं है। वो बहुत बहुत अभी बताएंगे ब्रह्मपुत्र में पानी बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उनके बस का नहीं है। डरा हुआ है इस समय, उसका उद्देश्य है कि मेरे देश की आर्थिक डेवलपमेंट हो, वो ये नहीं चाहता कि मैं और लोगों से पंगा लूं, लेकिन क्योंकि मजबूर है आदत से पंगा लेता जाएगा। एक मित्र नहीं है उसका, यहां तक कि जो हमारा दूसरा पड़ोसी है अभी कुछ कर्नल साहब उसका नाम ले लेते मैं भूल जाता हूं, जहां कोई बदमाश है कहता मैं शरीफ हूं प्रधानमंत्री है वहां का, इतना आपको बता देना वो भी अब उसका दोस्त नहीं है, क्योंकि उसको जब पैसे की जरूरत थी तो टिंगलिंग भाई जाए अमृतसर के छोले खा गया, बड़े स्वाद है, मैं पैसे नहीं दूंगा। तो मैम ये हम देख रहे हैं चीन भी बिल्कुल अकेला पड़ रहा है, वो इस तरह की कोई बेवकूफी नहीं करेगा। जेएस सोडी जी, आपको भी लगता है कि चीन अकेले पड़ रहा है, इस तरह की बेवकूफी वो बिल्कुल भी किसी कीमत पर नहीं करेगा, सिर्फ जो भी चीजें वो कहता है करता नहीं है, सिर्फ कह सकते हैं कि उसकी गीदड़ भभकी होती है ये? जी चीन, इसमें कोई शक नहीं कि चीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अकेले पड़ रहा है, लेकिन हमें चीन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मैं एक सैनिक होते हुए आपको बताना चाहूंगा कि अगर 1% भी युद्ध की पॉसिबिलिटी है तो हमें अपना 100% तैयारी करनी चाहिए। ऋषु जी, ये निश्चित है कि 2027 से पहले चीन कुछ बड़ा करेगा, हालांकि चीन के लिए ताइवान प्रायोरिटी नंबर 1 है, लेकिन अगर वो किसी कारण से ताइवान पे हमला नहीं कर सकता है, क्योंकि अमेरिका चीन और ताइवान के बीच में ढाल बनकर खड़ा हुआ है, तो उसका प्रायोरिटी नंबर 2 भारत है। 2027 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उस साल अगली चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के इलेक्शन होने और शी जिनपिंग ने अपना चौथी बार राष्ट्रपति बनने की दावेदारी पेश करनी है, तब उन्हें चीन को और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को बताना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसा क्या बड़ा किया चीन के लिए कि वो चौथी बार चीन के राष्ट्रपति बनने के हकदार हैं। तो भारत को पूरी तैयारी करनी चाहिए, और थॉमस शेल्बी जो एक फेमस हिस्टोरियन थे, उन्होंने एक फेमस कोट दी थी कि हमेशा अपने दुश्मन पे तब हमला करो जब दुश्मन कमजोर है। अंबेसडर दीपक वोरा साहब ने बिल्कुल सही बताया कि इस वक्त चीन बहुत कमजोर है और यही समय है जब भारत को और आक्रामक होना चाहिए, अपने जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्पीड से बढ़ाना चाहिए और आधुनिक हथियार सेना को मिलने चाहिए, और हमें प्यार होना चाहिए कि 2027 से पहले अगर चीन कोई ऐसी हरकत करता है तो भारत चीन को एक मुंह तोड़ और करारा जवाब दे पाए। सेना की रणनीति में और क्या कुछ बदलाव होने चाहिए, आपको क्या कुछ लगता है, क्योंकि आप तो बहुत करीब से सारी चीजों को देख भी चुके हैं? ऋषु जी, पिछले 10 साल में सेना में बहुत परिवर्तन आया है, बहुत अच्छे के लिए परिवर्तन आया है। चाहे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था बॉर्डर में, वो बहुत अच्छा हो गया, तकरीबन हर पोस्ट के पास एक ब्लैक मेटल रोड है, हमारे जो लॉजिस्टिक मूव में असला बारूद मूव में बहुत आसानी हो गई है, आधुनिक से आधुनिक हथियार आज भारतीय सेना वायुसेना और नौसेना के पास है।
हमें जो एक चीज करनी चाहिए वो है कि हमें अपनी नौसेना की शक्ति में और इजाफा करना चाहिए। अब हमारे पास सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, हमें और बनाने चाहिए, क्योंकि जिसके पास एक बड़ी और सक्षम नौसेना होती है वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है। ये 1829 की कहावत है जो आज तक सच है कि जिसने समुद्र के ऊपर कब्जा कर लिया उसने पूरी दुनिया पे राज कर लिया। ये अमेरिका का हाल देखिए, अमेरिका के पास आज 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और दुनिया में अमेरिका तकरीबन एक बादशाह की तरह है। तो भारत को अपनी नौसेना का जो सैनिक शक्ति है उसमें और इजाफा करना चाहिए, हमें एयरक्राफ्ट कैरियर और सबमरीन एक तेज स्पीड से बनाने चाहिए। ठीक है सर। दीपक जी, भारत कोई निर्णय लेने से पहले वैश्विक दबाव का आकलन जरूर करता है, जबकि एक ओर चीन अमेरिका में बलून भेजकर जासूसी कर रहा है, दूसरी ओर अक्साई चीन में रेलवे लाइन बिछा रहा है। चीन में वैश्विक दबाव का आकलन नहीं होता क्या? नहीं होता है मैम। कुछ साल पहले इनकी एक मीटिंग हुई थी आसियान के लीडर्स के साथ, कंबोडिया में हुई थी, मुझे याद नहीं कहाँ हुई थी, या लाओस में हुई थी। तो उसमें ये कुछ आसियान के देशों ने चीन के भूतपूर्व जो विदेश मंत्री थे, बेवकूफ साथी था, वो वहां पे मौजूद था, तो उन्होंने कहा कि देखिए आप ये कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। तो बोला सुनो टाइगर लोग, मैं बड़ा देश हूँ, तुम तो चूहे हो, ये समझ जाओ, इसको स्वीकार करो कि जो मैं कहूंगा तुम्हें वो करना पड़ेगा। तो वो फिर लोग कहेंगे ये क्या बेवकूफ आदमी, क्या बातें ये करता है। तो ऐसी चीजें करने से मैम चीन की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। अभी पिंग पोंग गया था सऊदी अरेबिया दिसंबर के पहले महीने में, एक चाइना सऊदी समिट हुआ, चाइना अरब समिट हुआ, चाइना जीसीसी समिट हुआ, ये करेंगे वो करेंगे, हुआ क्या परिणाम? शून्य, कुछ नहीं मिला उसको। तो ये चीज आप याद कर लीजिएगा कि हमें कोई नहीं कह रहा कि हमें अपना गार्ड लेट डाउन करना चाहिए, हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, ध्यान ये देना चाहिए। अभी आपने एयरक्राफ्ट कैरियर की बात की, पूरी तरह से मैं सहमत हूँ। अमेरिका का एक पुराने जो थिंकर थे थेलर या थेयर जो भी उनका नाम था, उन्होंने कहा कि समुद्र के ऊपर डोमिनेशन करने, चीन हर दिन एक एयरक्राफ्ट कैरियर बना दे, चलाएगा उसका चाचा, उसके पास 25 साल की उम्र के तो लोग भी नहीं है मैम, एक पूरी जनरेशन खत्म हो गई है, अब बुढ़े बुढ़ों को फौज में ला रहा है, वो उसको चलाएंगे एयरक्राफ्ट कैरियर को? ये क्या कहते हैं मैम, मैं खत्म करता हूँ, दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। जी जी कुछ जी नहीं होने वाला है, प्लीज वॉच। अरे ताइवान तक तो कुछ नहीं कर पाया जब वो 80 साल की अमेरिकन औरत वहां चली गई थी, आपको याद है पिछले साल, ये कर दूंगा वो कर दूंगा ये कर दूंगा, अच्छा चलो चली गई है तो कोई बात, कुछ नहीं करेगा, इसमें हिम्मत नहीं। ठीक है, एक लाइन में कहा जाता है ना सर कि जो गरजते हैं अक्सर वो बरसते नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।